पाकिस्तान की गाड़ी है. आई डू हैव माय रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ दिल्ली एज वेल एज ऑफ श्रीनगर. व्हाट हैपेंड बिफोर टू डेज, आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम सोनवा टू राम मुंशीबाग. एसएचओ राम मुंशीबाग सीज्ड माय व्हीकल. उस टाइम क्या हुआ कि गाड़ी तो मेरे नाम की है, आई एम द ऑनर जाहिद जूर, उस पर लिखा था आरसी पे. तो समझ नहीं आ रहा है उसने मुझे किस गाड़ी वजह पे गाड़ी बंद की, क्योंकि मेरे को क्या करना है यहाँ के नंबर को. आई डू रिजाइड इन दिल्ली एज वेल एज श्रीनगर, तो मुझे क्या करना है उसमें. फिर एक ही चीज इनको बोल, अगर ये बोलते हैं एक ही संविधान एक ही निशान और एक ही प्रधान, तो फिर ये यहाँ पे क्यों चढ़ाना है हमें गाड़ी में नंबर. मैं आरटीएफ से अप्रोच करने आया था आज कि मुझे यहाँ के नंबर चढ़ाने के लिए क्या करना है. मैं यहाँ पे अंदर आया, आरटीएफ में जो कंसर्न जो एम्प्लॉय है उसने मुझे बोला कि आपको टैक्सेस भरने हैं. अगर बिहार में कोई गाड़ी लाता है बिहार के नंबर की, उसको अब दिल्ली शिफ्ट होता है वो, तो दिल्ली में जब वो रजिस्ट्रेशन करता है उसको 300 फी भरना पड़ता है, ट्रांसफर ऑफ आरसी, नॉट टोकन टैक्सेस. यहाँ पे वो बोलते हैं कि एट द रेट ऑफ 9% यू हैव टू डिपॉजिट अ टैक्सेस. अगर मैंने एक बार टैक्स भरा है तो दूसरी बार क्यों मैं भरूँ टैक्सेस. आरटीओ से मैं अभी मिल के आया हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी आवाम है श्रीनगर के, न ये रूल लद्दाख में लागू हो रहा है, न जम्मू में लागू हो रहा है. इवन कि जो जम्मू है वहाँ की 30 स्टेट्स की गाड़ियाँ चल रही है, अभी तक एक भी गाड़ी वहाँ के पुलिस ने सीज नहीं की. सिर्फ हमारे इस जो यूटी है हमको एक साइड से बोल रहे हैं कि आप यूटी, आप दिल्ली से आप कनेक्ट हो रहे हैं, दूसरी साइड से हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है. और जो भी यहाँ पे डीलर है कम से कम 50, 60, 70, 80 लाख 1 करोड़ रुपए के माल अभी सबके पास खड़ा है, लेकिन सारा इन्होंने एक बयान के ऊपर, जो आरटीओ बोल रहा है कि मैंने बयान नहीं दिया है, आज वो डिनाई कर रहे हैं कि मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है. ऑर्डर ऑलरेडी, ये जो हमारे सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स है उसमें ये ऑलरेडी है कि अगर कोई शख्स श्रीनगर से गाड़ी खरीदता है और उसको पंजाब लेता है, दिल्ली लेता है, और वहाँ उसको 6 महीने से ज़्यादा उस गाड़ी को वहाँ दिल्ली में रखना है, तो यहाँ हम उसको एक NOC देते हैं और वो वहाँ रजिस्टर करता है. इसी तरह अगर बाहर से कोई गाड़ी आएगी और वो हमारी यूटी में आएगी, ये ऑलरेडी सेंट्रल व्हीकल एक्ट जो है उसमें सेक्शन 47-50 है, उसमें ऑलरेडी लिखा है कि किसी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी से अगर दूसरी रजिस्टरिंग अथॉरिटी में गाड़ी जाएगी 6 महीने से ज़्यादा वहाँ रहेगी तो उसको वहाँ पर ही रजिस्टर करवाना है. में जो भी बाहर से गाड़ी लाता है उसको एक NOC वहाँ से साथ होती है, उसमें 6 महीने का टाइम होता है, उसको उन 6 महीने में रजिस्टर करना होता है. अगर नहीं करेगा उसके बाद फिर कानून अपनी कार्रवाई करता है. वो गाड़ी वो सीज होगी जिसके पास NOC नहीं होगा. इसमें अगर कोई बाहर से गाड़ी लाता है तो वो तो फिर चोरी की गाड़ी मानी जाएगी अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है. वो तो टैक्स लेती है यूटी गवर्नमेंट, अगर पंजाब लेता है, हरियाणा लेता है, दिल्ली लेता है तो लेंगे. जिस तरह हम आपकी नई गाड़ी को टैक्स लेते हैं, आप रोड इस्तेमाल करते हो तो उसका टैक्स देते हो, तो जो वहाँ से आएगा तो उसको हम टैक्स नहीं लेंगे. वो तो टैक्स लेना है, हमारा रोड इस्तेमाल करता है तो उसमें हम उतना टैक्स लेंगे जितनी उसकी लाइफ होगी. अगर मेरी बात से यही है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं. अगर आपके पास जेन्युइनली गाड़ी लाई है वहाँ से NOC आपके पास है, आप हमारे पास आइए, हम विद इन 15 डेज आपकी रजिस्ट्रेशन करके